खतौली पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का सफल अनावरण करते हुए दो लुटेरे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटे गए 60,000 रुपए, बायोमेट्रिक मशीन व अन्य सामान, चोरी की एक मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद। अवगत करा रहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षक तथा क्षेत्राधिकारी खतौली व थाना प्रभारी खतौली के कुशल नेतृत्व में थाना खतौली पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18/6/2023 की रात्रि को भारत फाइनेंस इंक्लूजन प्राइवेट लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो लुटेरे अभियुक्त गण को गंगनहर सराय रसूलपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से लूटे गए 60,000 रुपए, एक बायोमेट्रिक मशीन, पेंसिल, स्टेपलर आदि अन्य सामान, चोरी की एक मोटरसाइकिल तथा एक तमंचा में दो जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही थी। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद और बहुत सारे स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद आज इस घटना का अनावरण किया है। फिलहाल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया है कि टोटल चार लोग घटना में शामिल थे। जो दो अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनके नाम हैं गौरव पुत्र सुबे सिंह, ये जनपद हापुड़ का रहने वाला है। इसके अलावा विक्रांत उर्फ विकास, ये बुआड़ा कला थाना क्षेत्र खतौली का रहने वाला है। इसके अलावा दो और अभियुक्त हैं जो अभी फिलहाल वांछित हैं, उनको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। इनके कब्जे से पुलिस ने 60,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। जो बायोमेट्रिक मशीन जो ये यूज़ करते थे फाइनेंस कर्मी, इसको बरामद किया है। उसके अलावा जो इनके पास से मोटरसाइकिल मिली है उसके बारे में पुलिस तस्दीक कर रही है। अभी प्रथम दृष्टया ये नंबर जो है फर्जी नंबर प्लेट लगा के यूज़ कर रहे थे और इनके पास से अवैध दस्ता भी बरामद किए गए। सर, कोई बैंक कर्मी भी इसमें शामिल था? पुलिस सभी एंगल से इसकी जांच कर रही है। अगर इनके किसी भी डिजिटल एविडेंस में अगर किसी भी फाइनेंस कर्मी या बैंक कर्मी की अगर मिली भगत पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।